वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये सारे ही क्वेश्चन यूनिट वाइज अरेंज्ड हैं, यानी जो टॉपिक पहले आया है उसके क्वेश्चन पहले मिलेंगे आपको, उसी तरीके से सारे ही क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द नॉर्मल रेंज ऑफ हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे हमें हाइपरटेंशन की नॉर्मल रेंज लिखनी है। तो हाइपरटेंशन की नॉर्मल रेंज कितनी है, 120/80 mmHg। तो यहाँ पे आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम और क्या बोलते हैं, तो हम और क्या बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन को, हम इसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है इसेंशियल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो हमने आपको कितने टाइप्स पढ़ाए हाइपरटेंशन के, 2 टाइप्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्राइमरी हाइपरटेंशन के 2 टाइप्स होते हैं हाइपरटेंशन के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन लिखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाइपरटेंशन रिलेटेड विद मेडिकल कंडीशन आर कॉल्ड एज। तो वो कौन सा हाइपरटेंशन है जो मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हमको पढ़ाया हुआ है कि वो कौन सा हाइपरटेंशन है, वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 2 नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो ऐसे कौन से 2 नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसकी हेल्प से आप हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकते हो, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आप एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हो, सॉल्ट को रिड्यूस कर सकते हो, इसके अलावा आप जो है क्या बोलते हैं स्मोकिंग को क्यूट कर सकते हो, टोबैको को क्यूट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इनमें से किसी 2 के नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा, एंजाइना इज द कंडीशन इन विच। तो एंजाइना कौन सी कंडीशन है, एंजाइना वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है, एंजाइना की कंडीशन में इम्बैलेंस हो जाता है, किसमें, ऑक्सीजन सप्लाई में एंड ऑक्सीजन डिमांड में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एंजाइना। तो यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ एंजाइना के बारे में लिखना है। हमने आपको एंजाइना के 3 टाइप्स बताए हुए हैं। पहला है हमारा स्टेबल एंजाइना, दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना और तीसरा है हमारा वेरिएंट एंजाइना। तो यहाँ पर आप इन 3 के नाम को लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस्ट पेन अकर ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज। तो जो इस तरीके का चेस्ट पेन जिसमें रेस्टिंग कंडीशन के वक्त अगर वो पेन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यानी अगर पर्सन रेस्टिंग फेज में है और उस दौरान उसको चेस्ट में पेन हो रहा है, तो वो कौन से टाइप का चेस्ट पेन है या फिर वो किस तरीके का एंजाइना है। तो यह क्वेश्चन है हमारा, चेस्ट पेन अकर ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि कौन सा कंडीशन वो है जब रेस्टिंग फेज में चेस्ट पेन होता है। तो चेस्ट पेन, जैसा कि चेस्ट पेन क्या है, चेस्ट पेन जब हम एंजाइना को ही चेस्ट पेन की कंडीशन रखते हैं कि एंजाइना मतलब चेस्ट में पेन, तो ये कौन से तरीके का एंजाइना होगा। यहाँ पे एंजाइना का नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पे अंडरस्टूड करना है कि यहाँ पे एंजाइना के टाइप्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो कौन से टाइप्स का एंजाइना है जब हम रेस्टिंग फेज में पर्सन रहता है उस समय उसको एंजाइना का अटैक आता है। तो ये है हमारा अनस्टेबल टाइप का एंजाइना। तो यहां पर आप अनस्टेबल एंजाइना लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोस्ट कॉमन साइन ऑफ एंजाइना। तो एंजाइना का मोस्टली कॉमन साइन क्या है, तो इसका मोस्टली कॉमन साइन है हमारा चेस्ट पेन। तो यहां पर आपको चेस्ट पेन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन ड्रग दैट आर यूज्ड इन एंजाइना। तो एंजाइना के केस में ऐसी कौन सी ड्रग है जो मोस्टली यूज की जाती है, तो हमने आपको बताया हुआ है कि ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट यानी GTN ऐसी ड्रग है जो इमरजेंसी कंडीशन में एंड इवन जो एंजाइना के केस में जो GTN होती है वो मैक्सिमम टाइम यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे GTN यानी कि ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अकर ड्यू टू। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन
क्यों होता है? जब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्या होता है, जब मायोकार्डियल सेल डैमेज होने लगती है, मायोकार्डियल सेल की डेथ होने लगती है, तो उस केस में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ड्यू टू डैमेज ऑफ मायोकार्डियल सेल या फिर लॉस ऑफ मायोकार्डियल सेल, यहाँ पे आपको ये लिखना है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द ड्रग दैट आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज़ की जाती हैं उनके बारे में लिखना है। तो कौन सी ड्रग है जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के केस में यूज़ की जाती है? तो जैसे एंटीप्लेटलेट ड्रग हुई, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या है, जब वे जो आर्टरीज होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, उसमें क्या जमा हो जाता है, उसमें कॉगुलेशन हो जाता है, उसमें थ्रॉम्बस का फॉर्मेशन होता है, उसमें एम्बोलस का फॉर्मेशन होता है, उस कंडीशन में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का अटैक आता है, क्योंकि सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, वो डेड होने लगती हैं। तो हमारा क्या एम है, हमें उस क्लॉट को डिजॉल्व करना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एंटीप्लेटलेट ड्रग्स को यूज़ करते हैं या फिर हम थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ट्रीटमेंट में जो हम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं वो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हैं या फिर थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स होती हैं। तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे, या तो एंटीप्लेटलेट ड्रग या फिर थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HDL is also known as, HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम और क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो जैसे कि HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, HDL is also known as good cholesterol, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है तो बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, LDL, तो यहाँ पे आपको LDL लिखना है, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइपरलिपिडेमिया इज द कंडीशन इन विच। तो हाइपरलिपिडेमिया कौन सी कंडीशन होती है, जब ब्लड में लिपिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यानी हाइपर यानी कि बढ़ा हुआ, लिपिड यानी कि लिपिड, एमिया मतलब ब्लड, तो ब्लड में लिपिड की कंसंट्रेशन को बढ़ना है कि ही हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिपिडेमिया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन विच High amount of lipids in blood, ठीक है, ये लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिन इज द ड्रग दैट आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया, ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू है, क्योंकि स्टैटिन्स जैसे कि रोसुवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन्स, ये सभी जो ड्रग्स हैं ये हम हाइपरग्लिसराइड हाइपर कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन या फिर हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन में यूज़ करते हैं। और ये कौन सी ड्रग है, ये ड्रग हैं HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग्स। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द टू साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। तो अस्थमा के कोई दो साइन और सिम्टम्स लिखने हैं। तो अस्थमा का दो साइन और सिम्टम्स क्या होता है, कफिंग, स्नीजिंग, विस्लिंग साउंड आना यानी सीटी जैसी आवाज़ निकलना, कफिंग होना, ब्रेथलेसनेस होना, सांस लेने में दिक्कत होना। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम में बहुत ढेर सारे साइन और सिम्टम्स हैं, इसमें समय सिर्फ दो लिखने हैं। तो आप कफिंग लिख देंगे, आप ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, रेस्टलेसनेस लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है राइट द टू साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। तो यहाँ पे आपको अस्थमा के दो साइन और सिम्टम्स लिखने हैं। तो हमने आपको क्या क्या बताया हुआ है अस्थमा के साइन और सिम्टम्स में, हमने बताया है विस्लिंग साउंड आना, कफिंग, स्नीजिंग, ब्रीदिंग इशूज। तो इनमें से आपको किसी दो के नाम लिख देने हैं। तो आप ब्रीदिंग इशूज लिख सकते हैं, कफिंग लिख सकते हैं, वीजिंग लिख सकते हैं, विस्लिंग साउंड लिख सकते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर इज अ रिस्क फैक्टर फॉर अस्थमा। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है, क्योंकि अस्थमा का जब हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया है तो उसमें एक टाइप है इन्वायरमेंटल अस्थमा, इन्वायरमेंटल का टाइप का अस्थमा। तो क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी अस्थमा का अटैक एग्रीगेट होता है, अस्थमा का अटैक आता है, इसलिए इन्वायरमेंटल एज अ रिस्क फैक्टर है अस्थमा के लिए। तो यहाँ पे आप ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थमा कंडीशन रिलेटेड विथ वर्क प्लेस इज नोन एज। तो वो कौन से टाइप का अस्थमा है जो अस्थमा वर्क प्लेस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा, यानी कि जब सराउंडिंग एरिया या फिर ये कहें कि वर्क प्लेस के एरिया की वजह से जो अस्थमा होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल टाइप का अस्थमा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑक्यूपेशनल अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द फुल फॉर्म ऑफ COPD। तो यहाँ पर हमें COPD का फुल फॉर्म लिखना है। तो COPD का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में इसका फुल नेम लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है COPD इज़ अ डिजीज़ रिलेटेड विथ क्या, COPD is a disease related with K,
किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये डिजीज़ लंग्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लंग्स डिजीज़, तो ये कैसी डिजीज़ है, ये लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ है, तो यहाँ पे आप लंग्स लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द टाइप्स ऑफ COPD। तो COPD के दो टाइप्स हमने आपको पढ़ाए हैं, पहला है इम्फेसिमा और दूसरा है ब्रोंकाइटिस। तो यहाँ पे आपको दोनों के नाम लिख देने हैं, ब्रोंकाइटिस एंड इम्फेसिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन थेरेपी इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ COPD, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है, क्यों ट्रू है, क्योंकि COPD के केस में जो लंग्स होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज होता है, तो इसके लिए यहाँ पे हम ऑक्सीजन थेरेपी को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज़ इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो ये डायबिटीज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो ये क्या है, ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज, तो टाइप 1 डायबिटीज़ को हम और क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, तो ये क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ ऑल्सो नोन एज, तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस को हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ है हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, और टाइप 2 है हमारा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम, और थायरॉयडिज्म का मतलब थायराइड का हार्मोन, तो यहाँ पे जब थायराइड हार्मोन के कम प्रोडक्शन होता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड फंक्शन डिपेंड ऑन, थायराइड फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है आयोडीन पे, तो आयोडीन के यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आयोडीन, क्योंकि आयोडीन रिस्पॉन्सिबल है थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए, तो थायराइड हार्मोन का फंक्शन डिपेंड करता है आयोडीन की अमाउंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंडीशन इन विच टू मच रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूरोट्रांसमीटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्किंसन डिजीज़, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डोपामिन, क्योंकि डोपामिन का लेवल जब डाउन हो जाता है तब पार्किंसन की कंडीशन डेवलप होती है। इस तरीके से तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ता है, लेकिन जब मेनली अगर आपको न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के केस में पूछा जाएगा तो आप हमें सॉरी लेकिन मेनली जब न्यूरोट्रांसमीटर पार्किंसन के केस में पूछा जाएगा तो आप डोपामिन लिखेंगे, हालांकि कि उस समय एसिटाइल कोलिन भी बढ़ रहा है लेकिन मेनली आपका फोकस डोपामिन पे होगा, तो आप लिखेंगे डोपामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द 2 सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन, तो पार्किंसन के कोई 2 सिम्टम लिखने हैं, तो 2 सिम्टम्स क्या है पार्किंसन के, रिजिडिटी होना, मून लाइक फेस का होना, मूवमेंट में कमी होना, एकानेसिस की कंडीशन डेवलप होना, तो यही सब होते हैं ना पार्किंसन का सिम्टम, कि जो पर्सन जिसको पार्किंसन होता है उसके मूवमेंट में कमी आती है, उसका फेन एक्सप्रेशन लेस हो जाता है, वो चल फिर ढंग से नहीं पाता है, मून लाइक उसका फेस हो जाता है, मूवमेंट में कमी आती है, तो ये यहाँ पे आप उसको लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द 2 न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज, तो न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ के 2 डिजीज़ के एग्जांपल लिखने हैं, तो वो 2 डिजीज़ कौन कौन सी हैं, एक है हमारी अल्जाइमर डिजीज़ और दूसरी है हमारी पार्किंसन डिजीज़, तो दोनों के बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे, दोनों के नाम को लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिमेंशिया इज़ द सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज़, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हमने इसके बारे में आपको बताया हुआ है कि डिमेंशिया अल्जाइमर की डिजीज़ में पर्सन चीज़ें भूलने लगता है, उसमें डिमेंशिया की कंडीशन डेवलप होती है, ये इसका सिम्टम है, तो ये क्या है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ कंडीशन इन विच ब्लड सप्लाई इन द ब्रेन इज इंटरप्टेड इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रोक्स बोलते हैं, वो कंडीशन जिसमें प्रॉपर ब्लड की सप्लाई ब्रेन में नहीं हो पाती है उस कंडीशन को हम स्ट्रोक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ
स्ट्रोक्स, तो स्ट्रोक्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स के कितने टाइप्स है, तो स्ट्रोक्स के हमने आपको दो टाइप्स पढ़ाए हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक एंड इस्केमिक स्ट्रोक। तो यहाँ पे आपको इस्केमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ GERD। तो GERD का फुल फॉर्म क्या है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो GERD का फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई पेप्टिक अल्सर। तो यहाँ पे देखिए क्लासीफाई पेप्टिक अल्सर है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको नाम लिखना है, डिटेल में नहीं लिखना है, जैसे कि इसके पहले भी हमने जहाँ पे लिखा है टाइप्स, तो यहाँ पर भी आपको नाम ही लिखने हैं, टाइप्स में भी नाम लिखना है, क्लासीफाई में भी नाम ही लिखना है। ये नहीं कि हम पूरा क्लासीफिकेशन लिखने लगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ नाम लिख के छोड़ देना है, दो नंबर के हिसाब से आपको लिखना है ना, ठीक है। तो क्लासीफाई पेप्टिक अल्सर में क्या होगा, डीओ। नेक्स्ट हमारा क्लासीफाई पेप्टिक अल्सर, तो पेप्टिक अल्सर में किस तरीके के होते हैं, पेप्टिक अल्सर दो तरीके के होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर एंड डीओडिनल अल्सर। तो यहाँ पे इन दोनों के आपको नाम को लिख देना है। नेक्स्ट है, राइट द टू मेन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर का दो मेन कॉज क्या है, कॉजेज में हमने आपको ढेर सारे कॉजेज बताई हुई हैं, जैसे कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया, नसेड्स का यूज़ हो गया, तो ये क्या है, ये इनके कॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे, नसेड्स का यूज़ लिख दे सकते हैं और एच पाइलोरी का इन्फेक्शन लिख सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा देखिए रीज़न तो मैंने आपको बहुत बताई हुई है, लेकिन ये मेन है, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इम्बैलेंस बिटवीन डिफेंसिव फैक्टर एंड एग्रेसिव फैक्टर, यानी कि क्या होता है पेप्टिक अल्सर में दो ही चीज़ तो होती है, इम्बैलेंस हो जाता है पेप्टिक अल्सर, या फिर अगर हम अल्सर की बात करें तो दोनों में इम्बैलेंस होता है, डिफेंसिव फैक्टर एंड एग्रेसिव फैक्टर। तो डिफेंसिव फैक्टर और एग्रेसिव फैक्टर के अंदर ये जो इम्बैलेंस हो रहा है, इसको क्रिएट करने में नसेड्स का रोल है, एच पाइलोरी का रोल है, तो इसको आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज। तो अगर हीमोग्लोबिन का कंडीशन लो है तो उसको हम बोलते हैं अनीमिया, तो यहाँ पे आपको अनीमिया लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्ज एबनॉर्मल एंड इमेच्योर RBC आर फॉर्मड इन। तो कौन सी अनीमिया है जिसमें लार्ज एबनॉर्मल एंड इमेच्योर RBC फॉर्म होती है, तो वो कौन सी अनीमिया है, वो है हमारी मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया। मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया में जो RBC फॉर्म होती हैं वो इमेच्योर टाइप्स की होती हैं, एबनॉर्मल होती हैं, तो ये मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया है। इस सभी से रिलेटेड वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई है, आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप फार्माकोथेरेपिटिक्स की प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ पे आप इन सभी के डिटेल वीडियो देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द कॉजिटिव एजेंट ऑफ TB। तो TB का कॉजिटिव एजेंट क्या है, यानी कि TB किसकी वजह से होती है, तो वो क्या है, वो है कॉजिटिव एजेंट हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पर हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया इज द कंडीशन रिलेटेड विथ। तो निमोनिया जो कंडीशन है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है लंग्स से, तो यहाँ पे आप लंग्स लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, ना कि वायरस या फिर फंगस, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट कंडीशन है, अ मेडिकल कंडीशन इन विच इन्फ्लामेशन इन लीवर सेल्स अकर। तो वो कौन सी मेडिकल कंडीशन है जिसमें लीवर की सेल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हेपेटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो यहाँ पे जो दो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनके नाम लिखने हैं, तो इसमें हम आप लिख देंगे गोनोरिया का नाम और सिफैलिस। सिफैलिस एंड गोनोरिया बोथ आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो इसके बारे में यहाँ पे इन दोनों के आपको नाम को लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया इज अ प्रोटोजोअल डिजीज़। तो क्या ये मलेरिया प्रोटोजोअल डिजीज़ है, तो यस मलेरिया इज अ प्रोटोजोअल डिजीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रू लिखना है, क्योंकि मलेरिया क्या है, प्रोटोजोअल डिजीज़ है, और उसके कॉजिटिव एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तो ये इसके कॉजिटिव एजेंट हैं। तो कॉजिटिव एजेंट को भी आपको पढ़ना ज़रूर है, और यहाँ पे हमने सिर्फ प्रोटोजोअल डिजीज़ के बारे में पूछा है, तो ये ट्रू है, बाकी इसके कॉजिटिव एजेंट को भी आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज़। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज़ क्या है, गोनोरोया। तो गोनोरोया का नाम यहाँ पे लिख देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल डिजीज़। तो वायरल डिजीज़ क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, वो है HIV। तो HIV लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए HIV का भी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, एड्स का भी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। तो आपको HIV और एड्स के भी फुल फॉर्म को आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों के फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन इन साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट्स आर नोन एज। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन के क्रोनिक इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोला जाता है, इसको यहाँ पे आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्वेंटली फॉल ऑफ शेडिंग ऑफ द स्किन आर नोन एज। तो क्या है, जब फ्रिक्वेंटली जो सेल्स होती हैं, जो स्किन है वो शेड होने लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सिरोसिस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिरोसिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंक आई कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज। तो पिंक आई की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंजक्टिवाइटिस, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस को ही हम पिंक आई बोलते हैं, ये लिख देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजक्टिवाइटिस कैन बी कॉज्ड बाय बोथ वायरस एंड बैक्टीरिया, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यस, कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरिया से भी होता है और वायरस से भी होता है। बैक्टीरिया से जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसको हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, और जो वायरस से होता है उसको हम वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। दोनों के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, जैसा कि हमने आपको डिटेल वीडियो बना के बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसके बारे में लिख देंगे यस, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा इज अ डिजीज रिलेटेड विथ ऑप्टिक नर्व डैमेज। तो क्या ग्लूकोमा में ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती हैं। तो यस, ग्लूकोमा वो डिजीज़ है जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है, यानी आइज के अंदर का प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से जब वो प्रेशर बिल्डअप होता है तो ऑप्टिक जो नर्व होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से। तो यस, ये ट्रू है, तो ये ट्रू लिख देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ PCOS। तो PCOS का फुल फॉर्म क्या है, तो PCOS को हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है, PCOS है। इसी तरीके से PCOD भी बोल सकता है, तो PCOD क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो ये है इसका फुल फॉर्म। तो इस तरीके से ये सारे ही 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।